हाँ बच्चों, तो फिर से बच्चों लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा, क्या था? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना? तो अपने इस खूबसूरत से इंस्टीट्यूट प्रो साइंस में हम लोग एक खूबसूरत सा टॉपिक करते हैं स्टार्ट। जो टॉपिक था बच्चों हमारा लास्ट क्लास में, वो था लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या था? लेंस मेकर फॉर्मूला। और हमने क्या देखा था कि लेंस मेकर फॉर्मूले में जो इक्वेशन थी पावर की, जो इक्वेशन थी फोकल लेंथ की, वो क्या थी? फिर से वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू वन वन अपॉन एफ वन सॉरी वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन थी हमारी। इसमें बच्चों म्यू टू वन क्या है? इस म्यू टू वन को म्यू टू वन ना लिखकर हम ये लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या? देखो जरा, अगर ये ग्लास है बच्चों, है ना, ये अगर एक ग्लास है, ये ग्लास से बना हुआ एक लेंस है, ठीक है, तो बाहर कौन सा मीडियम है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। बाहर कौन सा मीडियम है बच्चों? एयर। ये किसका बना हुआ होगा बच्चों? लेंस ग्लास का। और इसके बाहर फिर से कौन सा मीडियम आ गया? एयर, है ना। तो यहाँ जो ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, यहाँ जो ये इक्वेशन थी, ये जो लेंस है ये बना होगा किसी ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हमने म्यू टू वन लिया था उसको यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना? यस या नो? चलो ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो जरा। इक्वेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, इक्वेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज वन अपॉन एफ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस वन इंटू में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है बच्चों, डाउट है नहीं? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको बच्चों। ये क्या है? ये क्या है? टेल मी, ये क्या है? दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फोकल लेंथ लेंस की कौन से मीडियम में है बच्चों? आंसर है ये फोकल लेंथ लेंस की एयर मीडियम में। किसमें है? एयर मीडियम में, एयर मीडियम में। ओके बच्चों, यहीं से हम अपना टॉपिक करेंगे कंटिन्यू, है ना। तो टॉपिक क्या होगा हमारा? अगर हम अपना ये लेंस, है ना, हम अपना अगर ये लेंस क्या कर दें, लिक्विड में लेके आ जाए। किस में लेके आ जाए? लिक्विड में। तो इसके फोकल लेंथ पे क्या चेंज होगा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, और न्यूमेरिकल अगर बनता है तो इसी में से बनता है। मतलब 90% चांस है अगर न्यूमेरिकल बनेगा ना लेंस पे आपका, तो इसी पे बनेगा बच्चों। हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग मीडियम चेंज कर देंगे ग्लास का, लेंस का। तो बच्चों टॉपिक क्या है, करो स्टार्ट। ठीक है, लेंस इन लिक्विड, टॉपिक का नाम लिखो बच्चों। लेंस इन लिक्विड, लेंस इन लिक्विड। तो सबसे
सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके आगे आते हैं बच्चों। लेंस से लिक्विड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेंस कंसीडर किया कि लेंस हमारा पहले कहाँ है, एयर में ना। अगर लेंस हमारा एयर में है बच्चों तो उसकी फोकल लेंथ की इक्वेशन क्या होगी, अभी लिखी हम लोगों ने, सेम इक्वेशन होगी। आप फिर से लिख दो एक बार और, है ना, एक दो बार लिख दोगे तो आपको टर्म्स याद ही हो जाएंगे बच्चों। तो फिर से व्हेन द लेंस इन एयर, व्हेन द लेंस इन एयर देन द इक्वेशन इज वन अपॉन एफ ए। बच्चों ये ए सफिक्स पहले क्यों लगाया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका लेंस एयर में है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस वन इंटू में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने क्या किया बच्चों, हम अपने लेंस को लिक्विड में लेके आ गए बच्चों। तो देखो क्या होगा, इफ द लेंस इज इन द लिक्विड, सो अगर लिक्विड में बच्चों तो लिक्विड का भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। लिक्विड में यहाँ लिक्विड को मैं यहाँ यहाँ बच्चों वाटर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, वाटर। ये लिक्विड बच्चों कुछ भी हो सकता है, इट मे बी कॉलिक केरोसिन ऑयल, इट मे बी एनीथिंग, है ना। अभी हमने वाटर मान लिया इसको, तो अगर हमारा लेंस पानी में है, पानी में है, ये पानी में लेके जाएं इसको, ये लेके जाओ, ये पानी 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 है बच्चों, पानी में आ गया है, तो ये लेंस आपका पानी में आ गया बच्चों। ये देखो फील आ रहा है बच्चों आपको, ये लेंस कहाँ आ गया बच्चों, दिस लेंस इज इन द वॉटर, कहाँ गया देखो, पानी के अंदर आ गया लेंस, ये है ना। ये लेंस किसमें आ गया बच्चों, पानी के अंदर। अब ये लेंस वाटर के अंदर आ गया बच्चों, जब पानी के अंदर ये लेंस आ गया तो ये तो थी इसका प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों, यहां जब है ना, फिर से हाँ एक सेकेंड, हाँ बच्चों जब हम इसको पानी के अंदर लेके गए, व्हेन वी इमर्ज दिस लेंस इनटू लिक्विड, तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लेंस जो पहले हवा में था, है ना, उसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ थी, है ना। अब जब मैं इसको लिक्विड में लेके आ गया बच्चों, तो क्या इसकी फोकल लेंथ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है बच्चों, तो आंसर है यस, इसकी फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है बच्चों। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं लेंस को पानी के अंदर लेके आया, जब मैं लेंस को लिक्विड के अंदर लेके आया तो ये लेंस पिचक गया या ये लेंस मोटा हो गया, ऐसा नहीं है। लेंस तो वही रहेगा, ग्लास तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो रे है, जो पैरेलल रे है ना बच्चों, ठीक है, जो पैरेलल रे आ रही थी वो पैरेलल रे अब जब कन्वर्ज करेगी ना, कन्वर्ज, हाँ, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी कम या ज्यादा हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ये जो रे जो कन्वर्ज करेगा इसमें, इस लेंस से जब पास होके कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्जिंग पावर इस बात पे डिपेंड करता है कि रे किस मीडियम से आ रही है बच्चों,
ध्यान रखना इस बात को, भूल गए तो समझ रहे हो ना। तो रे जब आती है और इस लेंस से पास होके कन्वर्ज करती है, उसकी कन्वर्जिंग पावर किस पे, किस बात पे डिपेंड करेगी? दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम विच मीडियम। ठीक है बच्चों, अगर ये रे हल्के मीडियम से आती है, हल्के मीडियम से मान लो हवा से आती है, ये शू है ना, तो क्या करेगी? ये ज्यादा एंगल से बैन करेगी। शटक, देखो जरा, ये रे क्या करेगी? ज्यादा एंगल से बैन करेगी, ये देखो है ना, ज्यादा एंगल मतलब, ये देखो जरा, ये मान लो आपका पैरेलल है, इस पैरेलल इस रे से इतने एंगल पे बैन कर गई है ना, ये इतनी झुक गई है, कितनी, ये शटक इतनी है ना नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये मान लो आपका एंगल ऑफ बेंडिंग हो गया ना, ये मान लो ये आपका है एंगल ऑफ बेंडिंग, इसे मान लो आप, ये आपका है 40 डिग्री, 40 डिग्री से रे बैन कर गई है। ये कब हो, कब था बच्चों? मान लो कि जब, हाँ, जब ये रे कहाँ से आ रही है ना, ये रे कहाँ से आ रही है? हवा से आ रही है, एयर से। अब अगर हम इस लेंस को पानी के अंदर लेके आ गए, वाटर के अंदर लेके आ गए बच्चों, तो वाटर के अंदर आने से आपका जो मीडियम था वो क्या हो गया? डेंसर। बच्चों मीडियम डेंसर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर है यस, मीडियम डेंसर हो गया। अब मीडियम जब डेंसर हो गया बच्चों, अब ये रे आ रही है, ये शू, अब ये जब बैन करेगी तो ज्यादा एंगल से बैन नहीं करेगी, पावर इसकी कम हो जाएगी बच्चों। अब ये रे क्या करेगी? हे सांबा, ये रे क्या करेगी बच्चों? ये रे जो है ना, अब देखो जरा, ये देखो अब कम एंगल से बैन हुई है, मान लो ये 30 डिग्री से बैन होती है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट फर्स्ट केस और सेकंड केस में, किस में फोकल लेंथ आपकी कम है? टेल मी, फोकल लेंथ किस में कम है, कौन से केस में कम है? फर्स्ट में, फर्स्ट में के सेकंड में? बच्चों बताओ मुझे, फर्स्ट में सबको दिख रहा है भैया, ये देखो ये यहां से आया है, यहां पे आ गया फोकल लेंथ, और सेकंड के लिए ये यहां पे आया है ना। तो फोकल लेंथ सेकंड वाले केस में क्या है? ज्यादा, और फर्स्ट वाले केस में क्या है फोकल लेंथ? कम है बच्चों। पावर किसकी ज्यादा होगी बच्चों, फर्स्ट केस की कि सेकंड केस की? बताइए सेकंड बताइए 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 बताइए, हैं सेकंड ही होगी सर, सेकंड बेटा? सर फर्स्ट की होगी। हाँ हाँ, फर्स्ट वाले केस में लेंस ने ज्यादा एंगल से बैन किया, ज्यादा एंगल से बैन किया, ज्यादा एंगल से बैन करेगा तो फोकल लेंथ कम आ जाएगी, और जितना ज्यादा एंगल से बैन करेगा उतनी पावर ज्यादा होगी बच्चों। इसीलिए बोलते हैं क्या, कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। ठीक है बच्चों, बात कुछ समझ में आई? 10th में एक क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, है लेकिन समझ आ रहे हैं उसको आप, व्हाई इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस? बच्चों बस आपने तब फॉर्मूला ये रट लिया था, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर, यस या नो? ठीक है ना, अभी देखो, अभी अभी मालूम पड़ा आपको, जितनी ज्यादा पावर होगी लेंस की उतना ज्यादा एंगल से वो उसको टिल्ट कर देगा, ये शू, जितना ज्यादा एंगल से वो टिल्ट कर देगा उतनी उस लेंस की पावर ज्यादा होगी। जब पावर ज्यादा होगी बच्चों, जब पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। खुशी बेटा, समझ नहीं आई बात? बात बिल्कुल क्लियर है ना, कोई तो कंफ्यूजन नहीं है? तो जितनी पावर कम होगी बच्चों, जितनी पावर कम होगी फोकल लेंथ क्या होगा? उतना
दूर बनेगा उतना दूर। समझ नहीं आई बात? बच्चों कमेंट कर दो अगर समझ नहीं आया तो, या पूछो सर फिर से रिपीट कर दो। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट पावर का, फोकल लेंथ का, तो बोलो सर आगे चलो। रिपीट कर दो। अच्छा देख जरा, देख जरा, ये एक लेंस है, इसने रे बैन कर दिया, मान ले इसने बैन कर दिया देखो 40 एंगल से, ठीक है ना। इसके फोकल लेंथ दिया है बेटा, ये फोकल लेंथ मान ले है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा केस हमने क्या लिया, दूसरा केस हमने लिया ये, ठीक है। इस लेंस ने रे को बैन किया, लेकिन सामने एंगल से इसका सामने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका एंगल बन रहा है 10 डिग्री का, 10 डिग्री का एंगल है बेटा, ठीक है ना। अच्छा अब इसकी फोकल लेंथ कितनी आई है, यह आई है 100 सेंटीमीटर। तो एक लेंस ए है, एक लेंस बी है, बता बेटा ए और बी में से किसका किसकी पावर ज्यादा होगी बेटा। पावर ऑफ ए, पावर ऑफ बी, विच वन इज ग्रेटर पार्थ, टेल मी आंसर दे पार्थ, सर आंसर दे। ए ए हाँ ए की पावर क्या है, ज्यादा होगी। ए की पावर ज्यादा क्यों होगी बेटा, क्योंकि इस सर लेंस ने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये भी तरीका सुन, ए लेंस ने ज्यादा एंगल से बेंड किया, ज्यादा एंगल से कन्वर्ज किया, तो जो लेंस जितने ज्यादा एंगल से कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। ये बच्चों की तरह 10th 10th क्लास के अकॉर्डिंगली बात, इसको याद करो, है ना, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। नहीं, जो लेंस जितने ज्यादा एंगल से रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होती है बच्चों। द लेंस विच कन्वर्ज मोर हैज मोर पावर, और जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही क्या होगी बच्चों, क्या होगी बच्चों। जो लेंस जितने ज्यादा एंगल से कन्वर्ज करेगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी बेटा। बच्चों बात क्लियर यहां तक? तो यहां पावर ऑफ ए इज मोर देन द पावर ऑफ बी, पार्ट बेटा क्लियर, आगे चले। यस सर। ओके अब जरा यहां देख बेटा, ठीक है, फिर से हाँ बच्चों फिर से, कैन यू हियर मी बच्चों, कैन यू हियर मी। हाँ बच्चों कैन यू हियर मी। यस सर। ओके फिर से नाउ आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। हाँ तो हम बात कर रहे थे जब लेंस हमारा कहाँ चला जाएगा, वाटर में, है ना। जब लेंस हमारा वाटर में चला जाएगा बच्चों, तो हमारे लेंस की, हाँ बच्चों, फोकल लेंथ वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी या नहीं होगी, टेल मी। है बेटा, वेरी गुड। होगी हो सर, हाँ तो कितनी होगी देखते हैं जरा। इफ द लेंस इज इन द लिक्विड देन
देन द इक्वेशन इज वन अपॉन एफ इन वॉटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में लूंगा बच्चों? वॉटर के रिस्पेक्ट में, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है? कुछ कोई डाउट आता है आपको? कोई डाउट आता है आपको? अच्छा जरा यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है फर्स्ट, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है सेकेंड, दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड कर दो बच्चों, इन दोनों को आपस में लड़वाने के लिए क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, कर दो डिवाइड, वन अपॉन एफ ए म्यू जी ए माइनस वन वन अपॉन आर माइनस वन माइनस टू अपॉन में म्यू जी डब्ल्यू माइनस वन वन अपॉन आर माइनस वन वन अपॉन आर टू, ठीक है बच्चों? कुछ कट रहा है क्या? ये अपॉन इससे गया गया पूरा, ठीक है ना? ठीक है बच्चों? अच्छा हाँ बेटा बोलो बेटा। अच्छा क्या? अच्छा ये तो रहा बेटा, ढंग से देख जरा, दिखेगा ये देख, वन अपॉन, ठीक है इंस्टीट्यूट की बैक साइड पर, मुझे कॉपी कर लिया ही सारा, चले आगे। यस सर। सर अपू अपूर्वा वाला है, हाँ बच्चों फिर से आगे चलते हैं। वन अपॉन एफ एयर वन अपॉन एफ वाटर इज इक्वल टू, बच्चों वो जो थी इक्वेशन उसमें म्यू जी ए और म्यू जी डब्ल्यू को खोल दो, ठीक है ना? चलो म्यू जी, अभी म्यू जी ए क्या होगा बच्चों? ये म्यू जी ए होगा, म्यू जी अपॉन में म्यू ए माइनस वन अपॉन में म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस वन, ठीक है? ओके ये एफ डब्ल्यू ऊपर चला गया बच्चों। सर ये कैसे लिखा है म्यू जी बाय म्यू ए? ओहो ये किसका सवाल था बच्चों? टेल मी सर ये यशिका। यशिका, या देखो यशिका, यशिका बेटा हमने स्टार्टिंग की क्लास में मैंने करवाया था बच्चों को, ये म्यू टू वन, म्यू टू वन अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये पता है आपको इक्वेशन कहाँ से आई है? बस यस या नो बोलो खाली, नहीं बस नो सर। सर कोई मैंने बात। क्लास में हुए थे एक बार बीच में। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये आपकी मैं बैकअप लूंगा, ठीक है ना? कहाँ से आया इक्वेशन, बस ध्यान करो कि ये एक इक्वेशन होती है, इसको अभी आप फिलहाल के लिए अभी अभी याद कर लो आप, ठीक है ना? फिलहाल के लिए याद कर लो कि म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन।
अब इसकी मैं आपको बैकअप दूंगा अगली क्लास में, ठीक है बेटा? ओके सर। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये काट दो, ठीक है, ये यहाँ से आईफोन काट दो बच्चों, ठीक है, ये सॉरी, ये तो एफ डब्ल्यू कहाँ चला गया आपका, ऊपर आ गया, ये कहाँ आ गया, एफ ए, ये तो नीचे आ गया बच्चों, ठीक है ना? चलिए ओके नाउ, अब यहाँ से जो है ना इसका ये टाउ है बच्चों, ठीक है, इसे एलसीएम निकाल लो, म्यू जी, म्यू ए, अच्छा इसको भी सॉल्व कर दो, नीचे वाले को भी सॉल्व करके ऊपर लेके आ जाओ, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी म्यू डब्ल्यू। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें, इस वाले स्टेप में है बच्चों? नो सर। तो प्यारा मुंडा है अपना, तुझे तो कभी डाउट होते ही नहीं है। हाँ बेटा हो गया, फिर से बच्चों। बेटा अमन इतना लेट क्यों तूने ज्वाइन किया? फिर से बच्चों, ये आपकी मेन इक्वेशन है, ठीक है ना, दिस इज योर मेन इक्वेशन, चलो इसको बाय हार्ट इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में आप सीधा इसको लेके आना सीधा, ठीक है ना? अब देखो बच्चों ये इक्वेशन आपको क्या नॉलेज देती है, क्या इंफॉर्मेशन देती है, जब देखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? इस इक्वेशन के थोड़ी सी हम स्टडीज करते हैं और समझते हैं कि इक्वेशन हमें देती क्या है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वॉटर, एफ डब्ल्यू क्या है बच्चों? अगर इसकी मीनिंग आपको खोल के लिखनी है तो खोल के लिखनी है, तो लिख लो यहां पर, क्या है ये एफ डब्ल्यू, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वॉटर, ठीक है ना? फोकल लेंथ इन लेंस, सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वॉटर, इन वॉटर मीडियम, ठीक है ना बच्चों? और एफ ए क्या होगा वो समझ गए आप लोग, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, है ना? अच्छा अब देखो बच्चों इस वाली इक्वेशन को जरा गौर से देखो, जरा ये देखो जरा, अब एक चीज पूछूंगा बच्चों, जरा सही देना आंसर मुझे। देखो बच्चों ये आपकी, ठीक है ना, ये आपकी फोकल लेंथ किसमें है, वाटर में। आराम से सोच समझ के देना आंसर, क्योंकि आराम से दे पाओगे ना तभी आप आराम से कर पाओगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? वैसे तो ये आपका फोकल लेंथ किसमें है, वाटर में, है ना? देखो जरा बच्चों, ये जो है जब मैं वाटर में आ गया, किसमें आ गया, वाटर में आ गया, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव। मैं आपसे पहले पूछूंगा एक तरीके से, फिर समझ नहीं आएगा फिर मैं इसमें न्यूमेरिकली डिजिट की वैल्यू पुट करूंगा, फिर मैं वैसे आपसे पूछूंगा इसका आंसर, लेकिन अभी मैं आपसे थियोरेटिकली पूछ रहा हूँ। फिर से देखो जरा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, इनके बीच का डिफरेंस एक बात, जरा यहाँ आ जाओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, इनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस ज्यादा होगा बच्चों, ये डिफरेंस ज्यादा होगा, टेल मी, ठीक है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका, किसकी वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी, सोचो। अगर नहीं दे पा रहे आंसर तो बोलिए सर नहीं, डिजिट बताओ। न्यूमरेटर हाँ फिर से बोल बेटा, न्यूमरेटर न्यूमेरिकल बताऊं वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, अब मेरी बात सुन, जरा
देखो बेटा ऐसे समझ लो आप लोग, ये बच्चों हवा है, बड़ा सिंपल है। अरे इतना मुश्किल नहीं है यार, बड़ा सिंपल है बहुत। गोलगप्पा खाते हो ना आप लोग, कितना सिंपल होता है खाना, इतना सिंपल है बच्चों ना। मोमोज खाते हो ना, इतना सिंपल है इसका आंसर देना बस। देखो जरा अब तो दे दोगे आंसर है। देखो जरा ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, किसका, एयर का। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1, क्या 1। तो जहां म्यू ए है वहां तो आप 1 चिपका दो, सोचो मत बच्चों कि दूसरी वैल्यू, जहां म्यू ए जहां म्यू ए है, ये क्या, ये 1 है, ये 1 है। अब ये ग्लास क्या बच्चों, ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स चलो मान लेते हैं 1.5, क्या मान लेते हैं। अब अपने कॉपी में वैल्यू लिख लो है ना, ग्लास की वैल्यू लिख लो 1.5 कितनी। अच्छा अब यह देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एक काम करो 1.5 से कुछ और लो वैल्यू, कुछ और लेते हैं, छोड़ो कुछ और लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू ले लो आप 2, कितनी ले लो 2। देखो जरा म्यू जी 2 ले लो, म्यू डब्ल्यू ले लो 1.5 और म्यू ए ले लो आप 1, ठीक है ना, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। बच्चे म्यू जी कितना आ गया 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया 1.5, और एयर का कितना आ गया 1 आ गया। एयर हल्की होती है 1, थोड़ी भारी कर दो वाटर 1.5, थोड़ी और भारी कर दो ग्लास 2, समझ गए है बच्चों, ठीक है ना। हवा का इफेक्टिव इंडेक्स 1, हल थोड़ा भारी कर दो इसको, पानी बन गया, इफेक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, थोड़ा और भारी कर दो, कितना इफेक्टिव इंडेक्स 2 हो गया बच्चों। अब यहां जाओ बच्चों इधर देखो जरा, म्यू जी माइनस म्यू ए यानी कि 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। या देखो म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू 0.5, डिफरेंस कितना आ गया 0.5 का डिफरेंस आ गया बच्चों। तो बच्चों जैसे ही हम लोग वाटर में गए, किसमें गए, हम लोग वाटर में गए बच्चों, ये डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस छोटा हो गया है बच्चों, ये डिफरेंस कम हो गया कि डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस विल इंक्रीज और डिफरेंस विल डिक्रीज, आंसर दो। डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 1.5 हो जाएगा। थोड़ा लाउड बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप जब सर वाटर तो में ये आ गए तो माइनस, आप जब वाटर में आ गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो गया बच्चों या इंक्रीज हो गया। सर डिक्रीज हो गया, वेरी गुड, सर डिक्रीज। सबको समझ आ गया, खुशी समझ आ गया आपको, या कोई डाउट है बताओ मुझे, डिक्रीज कैसे हुआ बताओ, कैसे डिक्रीज हुआ। अगर हम हवा पे होते, अगर हम होते एयर में, ठीक है तरन है, हाँ तरन दिव्य तरन, हाँ दिव्य, ठीक है दिव्य दिव्य। अगर हम होते हैं हवा में, किसमें होते हैं हम, हवा में होते हैं ठीक है ना, तो ये डिफरेंस क्या होता, ज्यादा होता ना। हम पानी में आ गए, हम पानी में आ गए, पानी में आने के बाद ये डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया डिफरेंस बच्चों। जब ये डिफरेंस कम हो गया तो देखो जरा इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इनवर्सली का डायरेक्टली का, देखो बच्चों क्या रिलेशन है इसमें, इनवर्सली का डायरेक्टली का, थोड़ा लाउड बोलो आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। हाँ बच्चों क्या रिलेशन हो गया, जब ये हम पानी में आ गए डिफरेंस कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया, रिलेशन क्या है इनवर्सली का, इनवर्स तो डिफरेंस कम होते ही फोकल लेंथ वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। यही समझाया था मैंने आपको थियोरेटिकली, याद करो बच्चों, पानी के अंदर आने के बाद फोकल लेंथ वैल्यू बढ़ जाती है और पावर कम हो जाती है। चलो वो चीज अगर नहीं आती, यहां आ जाओ, जैसे ही आपने डेंसर मीडियम में एंट्री मारी है झपाक, जैसे ही आप अपने ग्लास को लेकर अपने चश्मे को लेकर कहां कूद गए, नदी में कूद गए है ना, तो नदी में आने के बाद आपका चश्मा कहां गया, पानी में। अब पानी से आप अंदर आए, आप पानी के अंदर है, आप कुछ को देखेंगे, आप देखेंगे आप, तो आपके आंखों में जो रेस एंटर कर रही है वो रेस कहां से आ रही है, वो तो पानी से आ रही है ना बच्चों। तो यहां मीडियम क्या हो गया बच्चों, यहां मीडियम कौन सा हो गया, यहां मीडियम हो गया लिक्विड। अब वाटर से लेंस में ग्लास एंटर करेगी बच्चों, आई मीन रे एंटर करेगी फिर से, तो
वाटर से ग्लास में रे एंटर करेगी बच्चों। जब बच्चों वाटर से ग्लास में रे एंटर करेगी तो डिफरेंस क्या हो जाएगा उनके बीच का? कम हो जाएगा डिफरेंस। अगर डिफरेंस कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इफ यू इमर्ज द लेंस इन लिक्विड, व्हाट विल हैपन टू इट्स वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। रानी बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा फोकल लेंथ पे? हाँ रानी बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा फोकल लेंथ पे? फोकल फोकल लेंथ विल इंक्रीज। लेंथ विल इंक्रीज, वेरी गुड। अच्छा रानी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड रानी। अच्छा तो मदद था। हाँ अब मुझे कमेंट पे बच्चों टाइप एक बार कमेंट कर दो मुझे एक बार, है ना, जूम मीटिंग पे या जिस मर्जी पे कमेंट कर दो मुझे, ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करो क्लियर या नॉट क्लियर, जल्दी से 1-10 सेकंड के अंदर दो मुझे आंसर जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कमेंट में आंसर देना क्लियर या नॉट क्लियर का, बस जल्दी से सारे बच्चे आंसर दो, सारे बच्चे रिप्लाई करो, सारे बच्चे रिप्लाई करो, सबका रिप्लाई, और सारे बच्चे नोट करते रहना क्लास के एंड में, ये जो आप लिख रहे हैं ना वो क्लास वर्क में मंगवाऊंगा अपने व्हाट्सएप नंबर पे। कमेंट में सिर्फ आंसर दो मुझे क्लियर या नॉट क्लियर जल्दी से, ठीक है? यशिका बेटा क्लियर, यश यादव क्लियर, यस सर। ओके स्तुति क्लियर बेटा, हाँ बेटा समृद्धि क्लियर, यस सर। ओके बेटा नितांश, कनिष्का बेटा क्लियर, जीवांशु बेटा समझ आ रहा है? जीवांशु समझ में आ रहा है तेरे? सर फोकल लेंथ वाले में थोड़ी दिक्कत है, समझ नहीं आया ढंग से। यस ये लास्ट वाला पार्ट? सर। अच्छा, देख बेटा देख 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 जरा, बाकी बच्चों आप भी देख लो एक बार, है ना, इनको हल्का सा डाउट है वो समझ जाएंगे आप। देख बेटा देखो बच्चा, देख ये तेरा लेंस था, किसमें लेंस ये? देख सकते मैं सेटअप कर दूं, ये आपका लेंस है एयर में, किसमें बेटा? ठीक है अच्छा, ये रे आती है, ये रे जहां कट करेगी वहां पे क्या मिलेगा तुझे? फोकल लेंथ, यस या नो? यस सर। अच्छा अब इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? ठीक है पता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ग्लास है रिस्पेक्ट टू एयर, -1 वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू, ओके बेटा। यस सर। अच्छा और हमने मान ली ये जो वैल्यू थी ना इसकी, ये मान ले ये वैल्यू तेरी आ रही है 10 सेंटीमीटर, कितनी वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर ये लेंथ। अच्छा अब आपने क्या किया, अब आप इसको लेके आ गए पानी में, लेंस इन लिक्विड, चल अब तो पानी में लेके आ गया इसको, ये लेंस तेरा पानी में आ गया, डुबकी खा रहा है पानी में तैर रहा है। अच्छा ये तेरा पानी के अंदर आ गया, देख पानी पानी के अंदर है, ये पानी है, ये ब्लू कलर का पानी है, ये ब्लू कलर का पानी है, किसमें आ गया? पानी के अंदर आ गया ये, ठीक है। अच्छा ठीक है अब जो ये रेस थी,
रेस। यहाँ देख जरा, जो रे थी ये रे, कंपैरेटिवली रे अब यहाँ से चलती 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 देख यहाँ कट करेगी ये रे, कितना आगे कट करा है इस रे ने, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को देख यहाँ कट किया इसने। तो फोकल लेंथ जो तेरी थी बेटा, अब इतनी आगे आ गई देख जरा, अब तेरी फोकल लेंथ जो है वाटर में, फोकल लेंथ इन वाटर वो कितनी हो गई, पहले 10 थी मान लिया, अब तेरी कितनी हो गई है, 50 सेंटीमीटर हो गई। तो बात समझ रहे हैं, ये देख फोकल लेंथ तेरी कितनी आगे चली गई जवानशु बेटा, सर 40 सेंटीमीटर आगे हो गए। है ना, 40 सेंटीमीटर आगे हो गई ये, अब नई फोकल लेंथ तेरी ये थी एफ डब्ल्यू। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी क्वेश्चन क्या होगी तेरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। अच्छा वाटर क्यों लिया मैंने यहाँ पर, है दिवांशु, सर वो आपने मीडियम चेंज करा था ना, एयर से वाटर करा था। हाँ क्योंकि अब जो लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट वाटर से आ रही है ठीक है, ग्लास में ठीक है, यस सर। लेंस तो मैंने चेंज नहीं किया, तो इसका R1 R2 सेम रहेगा ठीक है। अब दोनों को ना, इसको और ऊपर वाली इक्वेशन को, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया आपस में, डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद अपने को कौन सी मिली इक्वेशन, अपने को ये मिली इक्वेशन देख बेटा, ये मिली इक्वेशन ठीक है। यस सर। अब देख म्यू जी और म्यू डब्ल्यू इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया क्या इंक्रीज हो गया, सोच जरा, पहले ये था, पहले ये नहीं था, क्या था पहले ये, पहले जब वो जब आपका ग्लास हवा में था तो क्या ये वाली टर्म थी, बता बेटा जीवांशु। सर वापस पूछना, समझ नहीं आया क्या पूछा आपने। अच्छा मैंने पूछा कि जब तेरा ग्लास हवा में था तब ये टर्म थी, ये टर्म नहीं सर तब नहीं थी। तब नहीं थी, टर्म ये है ना, तब देख तब म्यू जी माइनस म्यू ए, म्यू जी माइनस म्यू ए और ये एफ है ना, म्यू जी माइनस म्यू ए और ये एफ, क्या रिलेशन है इनके बीच में, इन्वर्स का इनवर्स का। लेकिन जब तू जब तेरा ग्लास कहाँ आ गया, और ये जो म्यू जी माइनस म्यू ए है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर म्यू जी तेरा इतना है टू, म्यू डब्ल्यू कितना है 1.5, म्यू ए 1 है तेरा, तो मुझे बता बेटा, या देख म्यू जी माइनस म्यू ए के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ गया। लेकिन जब तू कहाँ चला गया, वाटर में आ गया, वाटर में, तो म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू ठीक है, देख 2 - 1.5 का डिफरेंस कितना आ गया, 0.5 0.5, तो डिफरेंस डिक्रीज हुआ कि डिफरेंस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। सर जब डिफरेंस डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है इसका, वाटर में इनवर्स इनवर्स लिखा, तो डिफरेंस डिक्रीज होगा तो इनवर्स फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा ना बेटा, यस सर। समझ गया ये बात आगे सर ठीक है। ये हमने क्या मैथमेटिकली मैथमेटिकली हमने समझा इस चीज को कि बेटा कि डिफरेंस जब डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। यहां देख यहां हम समझ गए फिनोमिना, यहां फिनोमिना के रिस्पेक्ट में समझ गए है ना, जब हवा में है तो फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा, जब पानी के अंदर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पानी के अंदर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, पानी के अंदर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। अरे भैया पानी के अंदर फोकल लेंथ क्यों बढ़ेगा, पानी के अंदर फोकल लेंथ क्यों बढ़ेगा, तो भैया ये रहा आंसर, ये रहा डिफरेंस कम हो जाएगा ना इसलिए बढ़ेगा फोकल लेंथ, समझ नहीं आई बात, आ गई सर। ये थियोरेटिकल आंसर है, ये प्रैक्टिकल आंसर है बेटा दिव्य रहत, दोनों बातें समझ आ गई आपको, ये आपका थियोरेटिकल था रीजन है ना, हवा में फोकल लेंथ कम, पानी में फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा ठीक है, बात क्लियर। अच्छा मैथमेटिकल रीजन क्या होगा इसका, भैया ये होगा फोकल लेंथ ज्यादा क्यों होगा, आपसे पूछा किसी ने, ए इधर आओ बे,
फोकल लेंथ क्यों इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ क्यों इंक्रीज होगा लिक्विड में, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच के डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। यस या नो? अब सारे बच्चे मुझे दे दो आंसर, अभी भी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम है। हाँ फिर से जसप्रीत बेटा, कोई डाउट आपको, आशीष को डाउट बेटा, नो सर। अरिजीत को डाउट बेटा, ये वाला पॉइंट नोट कर लो बच्चों, मैं बोल रहा हूं ये वाला पॉइंट नोट कर लो। द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस एज द इमर्ज लेंस इन लिक्विड, एज द इमर्ज लेंस इन लिक्विड। Having refractive index, बच्चों मीडियम पर इफेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ग्लास से कम या ग्लास से ज्यादा, कम होना चाहिए ना, है ना, कितना है, 1.5 है, कम होना चाहिए। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द ग्लास, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द ग्लास, देन बिकॉज दिस डिफरेंस इज डिक्रीज, बिकॉज दिस, इसमें लिख देना इक्वेशन, इक्वेशन के साथ लिखना है इसको, ठीक है ना, बिकॉज दिस डिफरेंस इज डिक्रीज। एंड देयरफॉर द फोकल लेंथ इज इंक्रीज इन वॉटर, एंड देयरफॉर द फोकल लेंथ इज इंक्रीज इन वॉटर। ओके बच्चों, अब इसके ना कुछ मजेदार से हम केस की बात करते हैं, स्पेशल स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब देखो सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल। सर हाँ बेटा, सर जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग पावर जो लेंस की है वो लिक्विड में कम हो जाएगी, इस वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये थ्योरेटिकल आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। नितांश तू था क्या, आशीष अच्छा आशीष, हाँ ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। देख सम स्पेशल केस, देख देखो फर्स्ट केस को, फर्स्ट केस बच्चों बताओ मुझे, इफ इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो क्या होगा, तो क्या होगा, मतलब क्या होगा फिर बताओ दिव्य रहत, क्या होगा बेटा, अभी वाला जो, अभी जो मैंने आपको लिखा है ना थियोरेटिकली, वही तो इसका रीजन है, वही तो इसका रीजन है, फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज। देखो बच्चों, ठीक है, द फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज एंड एंड देयरफॉर पावर ऑफ लेंस डिक्रीज। ओके बच्चों, समझ आया कि नहीं आया बेटा, जीवांशु
यस सर। ओके बेटा आगे देखो जरा, अगला केस देखो, अगला केस। अगर आपका रिफ्रैक्टिवनेस ग्लास का इक्वल हो जाए वाटर के रिफ्रैक्टिवनेस से, है ना, ये बड़ा अद्भुत सा फिनोमेना है, बड़ा अद्भुत सा फिनोमेना। अगर रिफ्रैक्टिवनेस इनफिनाइट मीडियम का ग्लास के रिफ्रैक्टिवनेस के बराबर हो जाए तो क्या होगा, सोचो बच्चों। है बेटा इनफिनाइट इनफिनाइट इस वाली इक्वेशन पे आ जाओ बच्चों, ये आपकी मेन इक्वेशन है, ये आपकी मेन इक्वेशन है, म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, जीरो, और वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों वाटर में, नॉट डिफाइन। समझ नहीं आई बात है बच्चों, फोकल लेंथ विल नॉट डिफाइन। इस केस में क्या आपको लेंस दिखाई देगा बच्चों, आंसर है नो। पहले तो उसका बच्चों, पहले तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम देखो जरा, डायग्राम देखो जरा। ये लेंस आपका है ना पानी के अंदर, ये लेंस आपका पानी के अंदर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस पानी के अंदर है बच्चों, ठीक है ना। देखो ये रे जो है ना कहीं डाइवर्ट करेगी ना कहीं कन्वर्ट करेगी, सीधा आ जाएगी सीधा, ठीक है ना। और बच्चों इस केस में आपको जो आपका ये जो लेंस है ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है, लेंस क्या नहीं होगा, ये विजिबल नहीं होगा, तो लिख लो इसको, ठीक है ना। द लेंस बिहेव एज एज अ प्लेन ग्लास एंड एंड इट इज इनविजिबल, इनविजिबल इन द मीडियम। इट इज इनविजिबल इन द मीडियम, ओके बच्चों, इट इज इनविजिबल इन द मीडियम। अगला है थर्ड केस, उसे भी खत्म करते हैं। देखो जरा, ठीक है, थर्ड केस, इफ म्यू जी इज लेस देन म्यू डब्ल्यू, है ना, तो इस केस में आपका एफ जो है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एफ क्या हो गया आपका, नेगेटिव, ठीक है। अब जब आपको बच्चों एफ नेगेटिव हो जाएगा ना तो क्या होगा, देखो जरा, तो ये जो लेंस है ना आपका मीडियम में, इसमें से जब रे जाएगी पैरेलल तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, वो डाइवर्ज, और आपका फोकल लेंथ कहाँ मिलेगा, 5-6 ने जाके कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा बच्चों, ये देखो जरा ना, पीछे मिलेगा आपको, ये समझ नहीं बात। तो ये सीधा साधा सा कन्वर्जिंग लेंस आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्जिंग लेंस में, समझ नहीं आई बात, ठीक है। तो कैसे लगे इसके केसेस, इंटरेस्टिंग है ना, इसी से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे बच्चों, इसी से आपके बनेंगे न्यूमेरिकल्स। सर, हाँ बेटा, सर ये कैसे पॉसिबल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल हो जाए वाटर के? लिक्विड वाटर नहीं लिक्विड मान ले, ठीक, सर, न्यूमेरिकली तो हमने देखा है, मतलब हाँ ठीक है, हम लोग ऐसे आर्टिफिशियल लिक्विड बना सकते हैं ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा हो, हाँ ठीक है ये ना। बना सकते हैं सर। हाँ तो वाटर मत लिखना, यहाँ लिख देना लिक्विड, ठीक है ना, यहाँ बच्चों क्या लिख देना आप लोग, इधर अगर आपको लिखना है जनरल केस तो आप लिख देना लिक्विड, ठीक है बच्चों। अच्छा तो बेसिकली ये लिक्विड के लिए है, फिर हमको स्पेसिफिकली वाटर या केरोसिन ऑयल उसको अपने अकॉर्डिंगली ले लेंगे हम लोग, ठीक
न्यूमेरिकल में। तो खैर बच्चों ये तीन केस थे हमारे खत्म, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट। बच्चों मिलते हैं, और आज का अपना अपना होमवर्क मुझे सेंड कर देना ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सारे बच्चे जो भी आए थे आज।